फाइनली पेट्रोल पंप मुझे दिख गया, ये वृंदावन है। वृंदावन जाने के लिए लेफ्ट, और पहले जाके पेट्रोल फुल कराते हैं। फुल करना है इसका, फाइनली मैंने पेट्रोल ले लिया यहाँ पे, और अब राइड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे चाय का मुझे शॉप दिखा था, लेकिन मैंने वहाँ पे चाय नहीं पिया क्योंकि रुकते तो लेट होता। तो मैं चलता हूँ सीधा आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पहुँच के ही चाय पीते हैं। अब जाके जान में जान आई है, हालांकि ये गलती मैं पहले कभी नहीं करता था। जहाँ भी मुझे मिलता था पेट्रोल फुल करा लेता था, चाहे भले ही 200 का तेल आए या फिर 300 का पेट्रोल आए, लेकिन मैं फुल करा लेता था। पता नहीं आज मुझे पेट्रोल पंप दिखा भी नहीं। तो अब आपसे मिलते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के टोल पे। तो अभी पहुंच गए हम एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे के तीसरे टोल प्लाजा पे। सामने आपको टोल दिख रहा होगा, यहाँ पे शायद चेक नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, शायद यहाँ भी चेक होगा। यहाँ पे टोल की दूसरी बार चेकिंग हुई, इसके बाद अब टोल नहीं है यहाँ पे। अब सीधा हमें जाना है एक्सप्रेस पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। वहाँ पे टोल कटेगा 325 रुपये का, वहाँ पे टोल कटेगा और वहाँ पे एक बार चेक होगा। तो हमारा एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म हो चुका है, अब आगे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये रिंग रोड होते हुए हमें लेके जाएगा एक्सप्रेस वे पे बाईपास। अगर आपको कानपुर जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट लेंगे कानपुर, और से आगरा जाना है तो सीधा जाएंगे लेफ्ट। क्या नज़ारा है, बाइक को
अब यहाँ पे देखते हैं, आगरा के लिए लखनऊ हमें जाना है, लखनऊ तो मुझे सीधे ही निकलना है। यहाँ पर अगर आपने कोई गलत टर्न ले लिया तो पता नहीं आप कहाँ पहुँचोगे, ग्वालियर, कानपुर, इलाहाबाद। अब ये इनर रिंग रोड है, ये आगरा इनर रिंग रोड, ये आपको ले जाएगी सीधा एक्सप्रेसवे पे। चलते हैं एक्सप्रेसवे पे। ये जो दाहिने साइड लेन देख रहे हैं ये सारे दिल्ली के लिए हैं, जहाँ पे कि आप जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। टोल प्लाजा भी लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे टोल नहीं कटेगा, टोल अगले टोल प्लाजा पे कटेगा, यहाँ पे आप नॉर्मली जा सकते हो। क्या नजारा है सब, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। आगरा विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये देखिए टूरिस्ट को लेकर बस जा रही है, हमें रुकना है यहाँ पे, चाय पीनी है। चाय है? चाय क्या बोल रहे हो? इनकी शॉप है, चाय है, चाय वो तो पूछ रहा हूँ मैं। तो यहाँ रुके, चाय पीने के लिए यहाँ पे चाय पीते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 500 मीटर आगे है और आगे से हमें लेफ्ट लेना है। अगर यहाँ से अगर लेफ्ट लेना है आगरा के लिए, सॉरी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए, ये जो आप रोड देख रहे हैं जो सीधे जा रही है ये आपको ग्वालियर लेके चली जाएगी। ये रहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो फाइनली हम एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं।
अब ये एक्सप्रेसवे हमें सीधा लखनऊ लेके चली जाएगी और ये रोड ऐसा ही रहने वाला है पूरा एक्सप्रेसवे पे। अभी आप रोड एक कम चौड़ी देख रहे हैं, ये आगे जाके आपको मिला देगी। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए फिरोजाबाद 40 किलोमीटर, कन्नौज 199 और लखनऊ 317 किलोमीटर। तो अब हम पूरी तरीके से लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और अब कंटिन्यू बने रहिए ऐसे ही। ये देखिए साइकिलिंग हो रही है यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे। ये आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा। यहाँ पे बाइक का टोल कटेगा, चलिए आपको दिखाते हैं कितना टोल कटता है बाइक। यार हद है यार, कितना है लखनऊ 325, 325।
अभी हम एक्सप्रेसवे पे 70 किलोमीटर चल चुके हैं और ये देखिए क्या सही लग रहा है। ये कंस्ट्रक्शन देखिए, क्या स्ट्रक्चर है ये। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 500 लिखा हुआ है, जैसे ही 100 मीटर आप चलोगे 600, फिर 100 मीटर आप चले 700, फिर 100 मीटर आप चल गए ये 800, अब ये है आपका 900। आप देखिए 70 के बाद 71, यानी आप एक्सप्रेसवे पे 71 किलोमीटर की सफ़र तय कर चुके हो। ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लगभग 320 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं अभी तक दिल्ली से, और अभी लखनऊ पहुंचने में देखा जाए 230 किलोमीटर बचा हुआ है, क्या लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ में सबसे मेन काम होता है यहाँ पे, जो सबसे टफ काम लगता है हमें, लखनऊ से क्रॉस करना आपको अयोध्या वाले हाईवे पे जाने के लिए, जो कि आपको गोरखपुर लेके जाती है, आपको पूरा लखनऊ बीच मार्केट से होकर यही जाना पड़ेगा। उसका कोई बाईपास बना हुआ नहीं है और वो रास्ता इतना कंफ्यूजिंग वाला रास्ता है कि आप अगर किसी से पूछोगे तो आप अगर 3 लोगों से पूछते हो तो 3 लोग आपको 3 तरह का रास्ता बताएंगे, और एक नए आदमी के लिए जो कि लखनऊ का नहीं है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। मैं अभी तक दिल्ली से अपने घर और उधर से दिल्ली मैं जा चुका हूँ, 6 बार जा चुका हूँ, 3 बार दिल्ली से घर और 3 बार घर से वापस दिल्ली, लेकिन हर एक बार मुझे लखनऊ में दिक्कत होती है। अगर मैं घर से आ रहा हूँ तो लखनऊ से एक्सप्रेसवे पे आने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटे का समय लग जाता है पूछने में। अगर मैप भी लगाऊँ तो वो आप समझ नहीं पाओगे उसमें। अगर 2 लेफ्ट हैं, और चूंकि मेरा फ़ोन मेरे पॉकेट में रहता था तो मैप सही से देख नहीं पाता, बाइक रोक के फिर आप ग्लव्स खोलो फिर मैप का नेविगेशन देखो, तो उसी चक्कर में मैंने ये जो माउंट आप देख रहे हो मैंने उसी चीज़ से बचने के लिए मैंने लगाया है। फिरोजाबाद लोग यहाँ पे दिखा रहा है और इटावा, ये जो माउंट मैंने लगा इसका लगाने का एक ही मकसद था मेरा कि एटलीस्ट जब मैं लखनऊ पहुंचने वाला होऊंगा तो लखनऊ से पहले मैं एटलीस्ट मैं अपना मोबाइल से माउंट करके और एटलीस्ट मैं मैप देख सकता हूँ। मैं तो ट्रैफिक में हो और आपको ये बता रही है लेफ्ट, और वहां पर आपको 2 लेफ्ट दिख रहा है, अगर आपने कोई गलत लेफ्ट ले लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप घूमते ही रह जाओगे। इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे ये माउंट लगाया है, और बाकी तो रास्ता सीधा है तो दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने अभी तक मोबाइल यहाँ पे माउंट नहीं करा है। जब लखनऊ का लास्ट टोल आ जाएगा, ये देखिए लखनऊ, जब लखनऊ का लास्ट टोल आ जाएगा तो मैं यहाँ पे मोबाइल माउंट करूँगा अपना दूसरा वाला, और फिर उसके थ्रू मैं लखनऊ आज क्रॉस करता हूँ, देखता हूँ आज मुझे दिक्कत होती है या आज मैं ईजिली क्रॉस कर पाता हूँ। इटावा अगर आपको यहाँ जाना है यहाँ से आप लेके लेफ्ट, यहाँ से आप जाएंगे इटावा और सीधे आप लखनऊ एक्सेस वे पे अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितना किलोमीटर हम चल चुके अभी तक। ये हुआ 600, और हो गया आपका 700, 800, 900, और आगे आप देख रहे 77 किलोमीटर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे चल चुके हैं। आगे बोर्ड दिख रहा है, आई थिंक रेस्ट रूम का बोर्ड है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिख रहा है मैनपुरी
एग्जिट 92 किलोमीटर, लखनऊ 302 किलोमीटर, 262 किलोमीटर लखनऊ यहाँ से बचा हुआ है। चलिए रास्ते में और अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देता तो आपको दिखाता हूँ, बाकी तो रोड सीधा ही है, आपको बस चलते जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको नींद ना आए, क्योंकि रोड ये ऐसा एक्सप्रेस वे है कि आपको नींद आनी ही आनी है। तो मैंने अभी FM लगा रखा है फोन में, तो मैं कम साउंड करके मैं सुन रहा हूँ जिससे मुझे नींद ना आए, और बस सीधे चलते जाना है। कुछ करने को है नहीं, कुछ करना बस बैठे रहो, जा रहे हो आप, बस आपको ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट कि कोई गाड़ी तो आपकी लेन में नहीं आ रही, अगर आ रही है तो देख रहे थे कि अपना लेन जो आपके लिए ये लेन बनी हुई है ये वाला आप सब स्विच करो, बस यही ध्यान रखना है। चलिए आगे और कुछ इंटरेस्टिंग दिखता तो आपको दिखाता हूँ, फिलहाल के लिए तो सीधा रास्ता है, बस चलते ही जाना है। अभी मैं गुजर रहा हूँ सैफई से, अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाते हैं तो सैफई पहुँच जाइएगा। सैफई वही जो मुलायम सिंह यादव का अपना क्षेत्र है, काफी काम किए उन्होंने सैफई में, तो काफी फेमस है सैफई। सैफई के लिए इधर जाएंगे आप, हमें तो सीधे निकलना है। यहाँ से लखनऊ है 227 किलोमीटर। चलिए चलते हैं,